हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ए एंड वेलकम बैक टू चैनल ए रिएक्शन। सो गाइस, आप सब कैसा चल रहा है? सब कुछ उम्मीद है मजे में होंगे, खुशबाश होंगे, लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। थके नहीं? थक गए। थक गए। तो पहले हम एक थोड़ा थक गए हैं, वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं इसी सॉन्ग पे जिस पे आज हमने रिएक्शन देना है, मगर हमें वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया गया था। मगर हम दोबारा बड़े ढीठ हैं, दोबारा हम कर रहे हैं क्योंकि रिक्वेस्ट आई है और रिक्वेस्ट को तो हम बिल्कुल भी ना नहीं करते। हाँ। रिक्वेस्ट काफी ज्यादा हमारे पास जमा हुई हुई है, मगर फर्स्ट टाइम हमें किसी लेडी ने रिक्वेस्ट का कहा है। तो जारी बात है, लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज लड़की को कहते हैं नहीं लड़के। तो लेडीज फर्स्ट, तो उन्होंने हमें कहा था कि जी ठग ऑफ हिंदुस्तान का सॉन्ग मंजूर खुदा पे आप रिएक्शन दें, तो आज हम मंजूर खुदा पे रिएक्शन देंगे। थोड़ा सा आप बोले मुझे सेट कर लो, लाइक तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बिल्कुल, आ देखा खुद इनको बुलवा दिया मैंने किसी तरह। तो बिना देरी किए पहले हम देखते हैं सॉन्ग और उसके बाद हम सॉन्ग पे बात करेंगे और देखेंगे कि कैसा सॉन्ग है। और अब तो मूवी करीब करीब ही है, एडवांस बुकिंग इसकी इंडिया में स्टार्ट है और खूब धमाकेदार एडवांस बुकिंग चल रही है। आपने बुक करवा लिया टिकट? मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो पाकिस्तान में तो आ रही है, वो मिल जाता है पहले ही। धूम थ्री में भी तो यही था। लेट्स स्टार्ट ना बोलो। तो हमने नाम लिया जिसके रिक्वेस्ट की है? अच्छा, उनका नाम, सॉरी हमने नाम नहीं लिया, उनका नाम है सीमा, जिन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि बिल्कुल के मंजूर खुदा पे आप रिएक्शन दे, तो हम वो रिएक्शन दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग, 3 2 1 स्टार्ट। On. मुझे भी ना सन्नी वाली ने सेम चोड़ा पहना था, ज़्यादा गोरी लग रही थी। यस, इतनी गोरी नहीं है, है ना? आवाज सुनी थी आजादी है गुनाह तो कबूल है सजा, अब तो होगा वही जो है मंजूर खुदा। बस या सो गाइस, हमने सॉन्ग देखा, बहुत ही मजे का। जितने भी पहले सॉन्ग आए थे, जो सबसे फर्स्ट सॉन्ग था वश मल्ले, वो मेरे ख्याल में थर्ड नंबर पे ही था। इतना उसका था अच्छा सॉन्ग, मगर इतना अच्छा नहीं था। और उसके बाद आप थोड़ा सा बोलने में जरा, उसके बाद सुरैया मेरी जान आया, तो खाली सुरैया बोलने, फिर लोग कहते हैं आपने पहले सुना हुआ है। खैर, अब तो सुना हुआ है, सॉरी। तो वो सॉन्ग आया था, वो भी अच्छा था। ये बेसिकली मोटिवेशनल सॉन्ग है। हाँ, वो जो होता है क्लाइमेक्स पे एक सॉन्ग आता है जिसमें सारे बिजी होते हैं लड़ाई झगड़ा, और एक एक्स्ट्रा या हीरोइन होती है जो कि नहीं अदर रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस, बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है कैटरीना कैफ, वो तो है। बस जाया कर दिया जाता है, वेस्ट हो जाती है। अदरवाइज अच्छी है अधिकारी, वैसे तो सब कुछ आता है उसे करना, पर क्यों लीड रोल नहीं मिलता? सो गाइस, अब मैं आपने बोल, तो इनका एक एक करके हम क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, क्योंकि कैटरीना कैफ इज माय वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस, मोस्ट फेवरेट। सो तो जिस तरह इन्होंने कहा कि जिस तरह बाकी क्लाइमैक्स है, बाकी लड़ाई वगैरह, ये ट्रेलर में इस तरह दिखाया गया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, जो आप थर्सडे को देखेंगे भी सिनेमा में, जो जो जाके मूवी देखेंगे, कि ये जो सॉन्ग है इसमें कैटरीना कैफ खाली परफॉर्म नहीं करती नजर आएंगे, इसमें आमिर खान और फातिमा सना शेख भी साथ परफॉर्म कर रही हैं। तो जैसा मुझे नजर आया, हमने तो उस पे कमेंट दिया। और इसमें आपको दूसरी ये भी चीज बताऊं, इसमें ट्रायंगल लव स्टोरी भी आपको साथ देखने को मिलेगी, आमिर खान कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख की, और लास्ट में लीड एक्टर तो फातिमा सना। वो तो मूवी देख के आपको पता चलेगा।
अब जोशुआ आज मुझे मूवी की नहीं पूरी बताई है कि कौन लीड है, वो तो मूवी देख के पता चलेगा। मगर हाँ, जहाँ तक ट्रेलर है उसमें कैटरीना ज़रा सिर्फ डांस मूव करती नजर आई है। क्या पता एक सरप्राइज पैकेज हो सबके लिए, कैटरीना के फैन के लिए, जैसा फैन की बात की तो मेरे लिए बिल्कुल। और वैसे भी आप देखें, आपने कैटरीना की बात की तो टाइगर जिंदा में जो उनके एक्शन सीन थे कमाल के थे। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं दूंगी, फिर बहुत नाराज हो जाते हैं लोग हमारे से, क्योंकि आई एम फैन ऑफ। नहीं, मैंने मूवी की तो नहीं कहा, मैंने कैटरीना के परफॉर्मेंस की बात की। अगर आप सलमान खान के साथ रखो तो वो हमेशा उसको बराबर का रोल देता है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बल्कि उससे ज्यादा ही देता है, क्योंकि आपको पता ही है उन दोनों की मोहब्बत का, उनकी मोहब्बत का पता ही है आपको। और जहां तक सॉन्ग की बात करूं तो सॉन्ग इस तरह के, आजकल लोग कोई भी अपने 99 मसले चल रहे होंगे, मगर जो किसी का एक मसला होगा वो उसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे। इस सॉन्ग में जैसा कहा है कि हंसने की आदत है हमें, हर गम पे भी नाज है, तो मेरे ख्याल में इसी तरह होना चाहिए कि दूसरा बंदा खुद सोचे कि हम जी दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं तो वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मल्टी सिंगर्स हैं जो गाना गा रहे हैं, तो इस वजह से वो जो रिदम अच्छा है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, एक लो वॉइस है, एक मेलोडियस है, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन। और जिस तरह हमने पहले भी इसमें रिएक्शन दिया था मगर ब्लॉक हो गई थी, तो हमने उसमें डिस्कस आई थिंक नहीं किया था कि जिस तरह श्रीदेवी जी के जो पहले सॉन्ग होते थे वो भी इस तरह के डांस कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते थे, तो वो भी हमें याद दिलाता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा बैक ही है ना, यानी कि न्यू एरिया पे तो नहीं बनाई हुई, पुराना लाए हैं, तो इस वजह से उस लिहाज से कॉस्ट्यूम डेवलप, हाँ तो उस लिहाज से कॉस्ट्यूम भी डेवलप है सब है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कितने एक्साइटेड हैं? अब तो मूवी आने में टोटल 4 डेज भी नहीं रहते हैं, मतलब 3 डेज है, 4 डेज जब आएगा तब तो मूवी रिलीज हो जाएगी। और आपको ये सॉन्ग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और हमारी वीडियो को आप देखें, जिन्होंने देख के लाइक करें उनका थैंक यू सो मच, जो नहीं करें उनका मंजूर है खुदा। सो गाइस, बाय बाय।